hello everyone welcome to the layman way where we are completing fundamentals of physical geography and this lecture is a part of my two months geography course program to help you one step closer to your goal and guys this program is all free so don't forget to smash that like button subscribe and also turn on the notifications all right if you want to view our full course you can always click on the i button in the top right corner and view our full playlist कोस्ट में कैसे होता है जहाँ पे हमने वेव कट प्लेटफॉर्म को देखा था पार्ट ऑफ रॉक होता है ये रोड होने लगता है और धीरे धीरे ये क्लिफ बना देता है और वो क्लिफ पीछे जाती जाती है कुछ टाइम बाद ये क्लिफ यहाँ पे आ जाएगी और ये जो बनता है इसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म उसके बाद हमने देखा था कि कुछ पार्ट्स होते हैं रॉक्स के है ना जो सॉफ्ट होते हैं जैसे ये वाला पहले यहाँ सॉफ्ट रॉक हुआ करता था बट वेव ने आके इसको इरोड कर दिया है ना और ये इसने बे बना दिया यहाँ पे पानी आ गया तो ये बे हो गया और फिर इसको हमने केप बोला था दिस जिसका केप जो रेजिस्टेंट रॉक है फिर हमने ग्लूब्स को देखा था कि भाई यहाँ से पानी आता है और इरोड करता रहता है इसको और ये एक टनल टाइप का बना देता है जिसको हम ग्लूप बोलते हैं और यही जब ब्लू टूट जाता है केव यू नो कोलेप्स हो जाता है तो उसको हम जियोज़ बोलते थे राइट फिर हमने देखा था कि ये हेडलैंड होते हैं एक जो मतलब पानी यहाँ से आता है और ये छोटे छोटे होल्स को बड़ा करता चला जाता है तो ये फिर एक केव बन जाता है केव के बाद ये नेचुरल आर्क बन जाता है और फिर ये जब हेडलैंड पूरा टूट जाता है तो ये स्टैक्स बन जाते हैं जो फर्दर इरोड होते हैं है ना हमने ये सब देखा था तो आज हम देखते हैं कि ये ये तो चलो इरोजन से होकर कि पानी जो है वो इरोड कर रहा है कोस्ट को उससे ये सब लैंडफॉर्म्स बने बट पानी डिपॉज़िट भी तो करता है राइट पानी अपना सैंड और जो सेडिमेंट है वो डिपॉज़िट भी करता है तो जब ये सैंड और जब ये सैंड वग़ैरह डिपॉज़िट करता है तो उससे क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं तो पहला जो अपने दिमाग में आता है वो है बीच ठीक है तो बीच जो बना है सैंड और यू नो सैंड और जो फाइन सैंड होती है जो वहाँ बीच पे रहती है ज़रूरी नहीं कि वो फाइन सैंड हो ठीक है वो पेबल्स भी हो सकते हैं छोटे छोटे वो डिपेंड करता है कि वेव का यू you नो know, वेव कितने एनर्जी से आ रहा है और वेव कौन से पार्टिकल ले आ रही है है ना उस पर डिपेंड करता है तो वो फाइन सैंड भी हो सकता है ठीक है और वो पत्थर भी हो सकते हैं छोटे छोटे पत्थर तो दोनों टाइप के बीच होते हैं है ना तो बेसिक फंडा ये है ये बीच बनता है किसे ये डिपोज़िशन से बनता है तो जो वेव जब आती है ठीक है जब वेव आती है और वो अपना सेडिमेंट यू नो कोस्ट पे डिपॉजिट करके फिर वापस जाती है तो वो उस डिपोजिशन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं बीच ठीक है एक हो गया बीच अब सेकेंड क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे मान लो ये पूरा हेडलैंड था है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा हेडलैंड था बट क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि ये इरोड हो गया धीरे 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 इरोड हो गया और पानी का लेवल और ऊपर बढ़ गया तो पानी का लेवल और ऊपर बढ़ने से क्या हुआ कि कुछ पार्ट जो आइलैंड का था वो आइसोलेट हो गया यहाँ से ठीक है वो आइसोलेट हो गया यहाँ से ठीक है और आपको ऐसे दिखेगा कि ये जो आइलैंड है ना ये इससे कनेक्टेड नहीं है अभी एट प्रेजेंट बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है ये आइसोलेटेड जो आइलैंड होता है वो मेन लैंड से कनेक्ट हो जाता है ये सेडिमेंट्स के थ्रू ये जो सैंड वगैरह है ना वो जो वेव डिपॉजिट करता है वो जब इन दोनों को कनेक्ट कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं टोम्बोलो दैट इज़ कॉल्ड टोम्बोलो तो टोम्बोलो अगर पूछे तो क्या है टोम्बोलो टुम्बोलो इज़ अ कनेक्शन अ लिंक ऑफ यू नो सैंड एंड ग्रेवल बिटवीन आइसोलेटेड आईलैंड एंड मेन लैंड तो ये बेसिकली हमारा मेन लैंड है ठीक है ये आइसोलेटेड आइलैंड है इसको कनेक्ट करने वाला सैंड का जो पार्ट है जो डिपोजिशन से वेव की आया है उसको हम बोल देते हैं टोम्बोलो दैट इज कॉल्ड टोम्बोलो ठीक है तो टोम्बोलो अभी दो चीज़ समझ में आ गए एक बीच है जो सैंड सैंड uh, और ग्रेवल जो वेव लाई थी उससे डिपॉजिट हुआ है उससे बीच बना है टोम्बोलो क्या होता है जो आइसोलेटेड आईलैंड को मेन लैंड से कनेक्ट करता है ठीक है वो होता है टोम्बोलो ठीक है अब देखो अब कभी क्या होता है कि ये देखो ये जो तो बे बन गया करेक्ट यहाँ पानी आ गया अब इसी में मानो क्या हुआ कि यहाँ पे यहाँ पे ना सैंड डिपॉज़िट होना स्टार्ट हो गया थोड़ा सा छोटा छोटा अब सेडिमेंट आ रहा है तो यहाँ पे भी डिपॉजिट करेगा ही और इतना डिपॉजिट हो गया कि ये सरफेस पे आ गया ठीक है इस टाइप से तो क्या था कि इसने ये हमारा वो था केप और ये हमारा बे था ठीक है अभी क्या हुआ कि इसने इतना डिपॉज़िट कर दिया वेव ने आके यहाँ पर इतना सेडिमेंट डिपॉज़िट कर दिया ये इसने बैरियर बना दिया यहाँ पे तो ये जो सैंड का बैरियर बन गया ना जिसने बे को और ओपन ओशन को डिसकनेक्ट कर दिया आपस में ठीक है एक बैरियर बना दिया दोनों के बीच में तो ये जो है ये पानी का जो ये वाटर बॉडी है ये आइसोलेट हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कोस्टल लगून क्या बोलते हैं कोस्टल लगून तो कोई बोल पूछे कोस्टल लगून क्या है तो इट इज़ एन आइसोलेटेड वाटर बॉडी विच इज़ यू नो डिसकनेक्टेड फ्रॉम द ओपन ओशन बाय अ सैंड पार्ट ठीक है तो ये जो सेडिमेंट का पार्ट है जो इस टाइप का यू नो ये इस टाइप का ये देखो ये सेडिमेंट का पार्ट है ये सारा वेव लाई होगी इधर से यहाँ पर डिपॉजिट होता चला गया और इतना डिपोजिशन हो गया कि अब ये पानी के ऊपर राइज कर गया तो इसने क्या किया जो अंदर वाला पार्ट था वाटर का उसको ओपन ओशन से सेपरेट कर दिया है ना ये वाला पार्ट इससे सेपरेट हो गया है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड लगून ठीक है और देखते हैं अब क्या हुआ कुछ कुछ बार क्या हुआ कि देखो अब ये हेडलैंड था अपना ये वाला हेडलैंड था यहाँ पे हमारा बे था ठीक है ये बे था हमारा अब क्या हुआ अगर यू नो वेव ने सैंड का जो सैंड का जो डिपोजिशन है वो इस टाइप से कर दिया यहाँ पे हेडलैंड के पास मान लीजिए जो हेडलैंड है ना यहाँ पे सैंड का ऐसे टाइप का वो बन गया सैंड का डिपोज़िशन होने लगा यहाँ पे ठीक है हेडलैंड से तो उसको क्या बोलेंगे जिस कॉल्ड सैंड स्पिट स्पिट मतलब कि सैंड का डिपॉजिशन हुआ है है ना सैंड का डिपॉजिशन हुआ है और वो क्या बोलते हैं हेडलैंड से कनेक्टेड है ठीक है तो इस टाइप का रहता है ये देखो ये हमारा कोस्ट है ठीक है और यहाँ पे सैंड का डिपॉजिशन हो गया पूरा तो ये देख रहे हो एक स्पिट टाइप का बना हुआ है तो उसको हम बोलते हैं सैंड स्पिट ठीक है दिस इज कॉल्ड सैंड स्पिट ठीक है और ये जो चीज़ थी ना ये जो चीज़ सैंड की बनी इसको हमने क्या बोला बैरियर या बार भी बोलते हैं इसको तो ये जो चीज़ बनी जिसने लगून को और ओपन ओशन को सेपरेट किया इसको हम क्या बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड अ बार दिस इज़ कॉल्ड अ वट बार या फिर बैरियर बैरियर बोलते हैं बैरियर का छोटा फॉर्म है बार ठीक है और और ये जो डेम्ब्रिश है जो वेव की वजह से कलेक्ट हुआ है वो थोड़ा ना ऑब्लिक एंगल का रहता है ये ऐसे कर्वड रहता है मतलब ऑब्लिक एंगल नहीं मतलब कर्वड रहता है और ये कर्वड इसलिए रहता है क्योंकि ये जो वेव्स हैं वो ऐसे ऑब्लिक एंगल पे हिट करती हैं ठीक है तो उसी वजह से ये जो बन आ, सैंड का स्प्रिट बनता है वो थोड़ा कर्वड सा रहता है है ना तो यही वो बोल रहा है कि डेबरेज इरोडेड बाई वेव्स कंटिन्यूसली अप अलॉन्ग द कोस्ट ठीक है जो जो इरोजन होता है जो वेव्स ये रॉक को इरोड कर रही हैं ठीक है उसका पूरा सेडिमेंट वापस नहीं जाता है ठीक है वो कुछ कुछ पाइल अप होने लगता है यहाँ पर सैंड के पार्ट में तो उसी से ये स्पिट बनता है ठीक है वही सेडिमेंट्स ये जो वेव है वो यहाँ डिपॉजिट करती है है ना और उससे स्पिट बनता है बट ये जो स्पिट होता है वो ऑब्लिक एंगल में बनता है है न जिसका एक एंड जो होता है वो हेडलैंड को जुड़ा रहता है जो मेन लैंड है जो शोर है उससे जुड़ा रहता है है ना और ये जो कर्व्ड है वो इसलिए बनता है क्योंकि ये ऑब्लिक एंगल पर इसको हिट करता है ठीक है तो ये कंसेप्ट है इसका इसी को हम बोलते हैं स्पिट ठीक है spit, और यही चीज़ अगर यू uh, नो you know, ये पूरा जो सैंड का जो ये बना है ये पूरा अगर ऐसे कर्वड होके पूरा बैरियर बना दे तो उसको हम बोलते हैं बार देखो तो ये जो अगर ये स्पिट जो है मतलब मान लो यहाँ से स्पिट आ रहा है ठीक है और ये पूरा ऐसे इसने वो कर दिया पूरा यहाँ तक आ गया और कनेक्ट हो गया यहाँ से पूरा ऐसे बना दिया इसने मतलब पूरा ये इस टाइप से बना दिया और ये वाटर बॉडी जो है वो आइसोलेट होगी ये जो पूरा है इसको हम क्या बोलेंगे दिस कॉल्ड अ बार ठीक है अब टाइप ऑफ कोस्ट देखते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ कोस्ट हैं है ना और ये कैसे बने है? ये टाइप ऑफ कोस्ट देखते हैं कि हम कैसे बने ठीक है, है तो एक कोस्ट होता है जो सबमर्जेंस की वजह से बनता है और एक होता है जो एमरजेंसी की वजह से बनता है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ठीक है सबर जब जो ये वेस्टर्न कोस्ट है हमारा है ना ये वेस्टर्न कोस्ट है ये एमरजेंस की वजह से बना है है ना कि ये जो कोस्ट है ये ऊपर उठ गया होगा अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड या फिर जो रिवर uh, का जो सॉरी जो ओशन का लेवल है जो सी का लेवल है वो फॉल हो गया होगा दोनों ही केस में ये लैंड जो है वो अपलिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं एमरजेंस और सबमर्जेंस क्या होता है सबमर्जेंस जो है वो जो ईस्टर्न घाट्स बनाए अब ईस्टर्न घाट्स कैसे बनाएँ कि ईस्टर्न घाट्स में क्या हुआ है कि वाटर का लेवल हो गया राइज ठीक है या फिर लैंड जो है वो सबमर्ज हो गया ठीक है तो दोनों ही केस में क्या होगा दोनों ही केस में जो लैंड है वो नीचे चला जाएगा मतलब पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा ठीक है तो उसको हम बोलते हैं सबमर्जेंस तो सिंकिंग ऑफ लैंड और राइस ऑफ सी ठीक है इसको बोलते हैं समर्जेंस एमरजेंस क्या होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड और फॉल इन सी लेवल करेक्ट इसको हम बोलते हैं एमरजेंस तो समरजेंस के कोस्ट होते हैं रिया कोस्ट फ्योर्ड कोस्ट एस्टोराइन कोस्ट डलमाशन कोस्ट मतलब कि ये जितने भी कोस्ट हैं रिया फिजोर्ड फ्योर्ड रिया फ्योर्ड एस्टोराइन और डलमाशन ये जितने भी कोस्ट हैं ये पानी के लेवल का ऊपर बढ़ने, तो बढ़ने से बने हैं ठीक है तो ऊपर बढ़ने से बढ़ने इसका मतलब की जो लैंड है वो सिंक हो गई है है ना तो उससे जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स बने उसको हमने बोला उससे जो कोस्ट बना उसको हमने बोला ये सारे टाइप के कोस्ट हैं अब एक एक करके हम पढ़ते हैं कि रिया क्या होता है ठीक है तो तो याद है जब अपन वो पढ़ रहे थे जब हम ग्लेशियर पढ़ रहे थे तो हमने देखा था हमने ये देखा था ना कि यार जब ग्लेशियर मूव करता है ठीक है और जब वो अपने एंड पे पहुंच जाता है एंड ऑफ द कोस्ट पे पहुंच जाता है तो मतलब एंड पे पहुंच जाता है तो क्या वो आउट करता है एक रीजन मतलब गड्ढा बना के चलता है ना ऐसे जब क्योंकि ग्लेशियर तो इतना भारी था ठीक है तो एक डिप्रेशन सा बना के चलता है ठीक है तो आइस एजेस में क्या हुआ कि ये जो ग्लेशियर ग्लेशियर जब मूव करते थे है ना तो वो एक डिप्रेशन सा क्रिएट करते थे ठीक है तो मान लो ऐसे आ रहा था माउंटेन से ऐसे आ रहा था फिर यहाँ पे एंड में आके इसने ऐसे एक गड्ढा सा बना दिया ठीक है बट आज एट प्रेजेंट टाइम क्या हुआ यहाँ पे सी था अपना ठीक है एट प्रेजेंट टाइम क्या हुआ कि ये सी का लेवल बढ़ गया इतना हो गया तो ये जो डिप्रेशन है ये जो डिप्रेशन था वो कहाँ चला गया वो पानी के अंदर चला गया इसी डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं फी दिस इज कॉल्ड फीय तो देखो ये था इस टाइप का तो देखो ये था ग्लेशियर आया होगा और उसने ऐसे डिप्रेशन सा बनाया होगा इधर ठीक है और पूरा डिप्रेशन नहीं बनाया होगा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ पार्ट भी है जिसको हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये जो ये जो डेप वाला पार्ट था ना अभी पहले सी यहाँ तक ही था बट अब सी का लेवल इधर राइज हो गया तो ये जो भी डेप्थ वाला पार्ट है ये सारा जो जो है कहाँ चला गया पानी के अंदर चला गया तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना इसका टॉप व्यू देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा ये जो भी है ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ये ग्रूव uh, है जो ग्लेशियर ने यू नो लैंड में इनकारव किया है ठीक है तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा डीप सा है और इसका अगर मैं सेक्शन काट के देखूँ यहाँ से तो ऐसा दिखेगा इतना डेप्थ है ये ऊपर से अगर आप देखोगे ठीक है तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको इस टाइप का जो कोस्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं फी तो समझ में आना क्या हुआ कि ग्लेशियर जब इनिशियली आइस एजेस में जो ग्लेशियर मूव करते थे वो एक डिप्रेशन बना के चलते थे इधर उनकी वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट होता था ठीक है जो हुआ हो, होगा डिप्रेशन क्रिएट अब उसमें पानी आ गया है बेसिकली सी लेवल राइज कर गया है और उसने उसको सबमर्ज कर दिया है तो वो जो टाइप ऑफ ये जो इस टाइप का कोस्ट uh, बना तो उसको हम बोलते हैं फी ठीक है तो ग्लेशियर से जो बनता है वो होता है फ्योर्ड अब रिया कोस्ट क्या होता है रिया कोस्ट देखते हैं क्या होता है देखो अब जैसे क्या है कि मान लो ये इधर ओशियन है ठीक है इधर ओशियन है तो पहले क्या हुआ करता था कि ओशियन के ये मतलब ओशियन के राइट एंगल्स पे माउंटेंस थे खूब सारे ठीक है माउंटेंस हुआ करते थे तो बहुत पुराने जमाने की बात है ठीक है अब माउंटेंस जब हुआ करते थे जब मैं माउंटेंस बढ़ता रहा था तो मैंने बताया था ना कि रिवर्स फ्लो करती थी और वैलीज़ बनाती थी है ना ऐसे रिवर फ्लो करती थी और वैलीज़ बनाती थी ठीक है और फिर ये रिवर फाइनली जाके कहाँ मिलती थी सी पे मिलती थी अब ओवर द पीरियड ऑफ थाउजेंड ई ईयर्स क्या हुआ कि ये जो सी का लेवल है ये इतना राइज कर गया कि ये कहाँ आ गया ये सी का लेवल जो है वो इधर आ गया इस साइड आ गया इतना आ गया कि इसने वैली को भी सामर्ज कर दिया ठीक है तो जब वैली को इसने समर्ज कर दिया ये वैली जब समर्ज हो गई ठीक है तो जो कोस्ट बना ना जो आज के ज़माने में कोस्ट है उसको हम बोलते हैं रिया कोस्ट तो बेसिकली क्या हुआ कि देखो क्या हुआ कि ऐसे देखो ये था ये सी है इधर पूरा सी है ठीक है इधर सी है पूरा इधर सी है पूरा ठीक है यहाँ पे अपने माउंटेंस हैं इधर 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 और यहाँ पे रिवर्स आई होंगी जो वैलीज बनाई होंगी है ना इधर से इधर से अब ये सी लेवल इतना राइज कर गया कि पूरा यहाँ तक आ गया सी लेवल तो ये जो वैलीज़ बनी थी ये वाली वो सबमर्ज हो गई सी में करेक्ट उसके समर्ज होने से क्या हुआ जो कोस्ट बना है अभी एट प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम उसको हम क्या बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिया कोस्ट ठीक है तो इस टाइप का दिखेगा आपको ये देखो इस टाइप का तो ऐसे है ये माउंटेन का स्ट्रक्चर था ठीक है ये माउंटेन था पूरा जो ऐसे जेंटली स्लोप कर रहा था नीचे ठीक है और आगे जाके तो और डीप होता चला जाएगा और वहाँ पे पानी अब आ गया है पूरा तो ये पूरा जो वैली वाला पार्ट था वो पूरा इसका कहाँ हो गया समर्ज हो गया समझ में आ रहा है ये जो वैली वाला पार्ट था पूरा ये पानी में समर्ज हो चुका है तो उसको हमने क्या बोला रिया कोस्ट ठीक है तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज आप हमको क्वेरीज एट द रेट द लेमैन वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय टेक केयर